मेरी बात अभी भी मान जाओ, मुझे उस सभा में न लेकर के जाओ। दूसरा सन कहने लगा है, अगर आप राजी से नहीं जाओगी तो कुराजी से भी ले जाना, जनता जाना पड़ेगा। हमारे बड़े भैया का आदेश है। द्रौपदी समझ गई है कि हमारे पांचों पतियों के साथ में धोखा हुआ है, छल किया है इन लोगों ने, लेकिन जैसे ही कलाई को पकड़ करके चला है, उसी समय मैया द्रौपदी गांधारी को आवाज लगा रही है, मैया आकर के बचा ले, अपने बेटा से मना कर दे, उस सब हमें न लेकर के जाए। कुंती से कह रही है, मैया आज तेरी बहू उस सभा में इस तरीका से घसीटती हुई खींचती हुई जा रही है, यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। मैया चीख रही है, दूसरा सन कह रहा है कि यहाँ पर तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। जैसे ही कलाई को पकड़ा है और उसी समय द्रौपदी बोली है, कहाँ